लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां 7 दिन के अवकाश पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह के पास सीएस का चार्ज, 7 दिन मुख्य सचिव का काम देखेंगे मनोज कुमार सिंह। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 7 दिन के अवकाश पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा रहेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही, जहां 3 से ज्यादा चालान होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश जारी किए। यातायात नियम तोड़ने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। सभी जिलों के डीएम एवं मंडलायुक्त को दिए गए हैं निर्देश। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए ये निर्देश जारी किए गए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर 3 से ज्यादा चालान होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये निर्देश जारी किए। यातायात नियम तोड़ने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। सभी जिलों के डीएम व मंडलायुक्त को निर्देश जारी कर दिए गए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 11 और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का लखनऊ दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा रहेगा। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के कार्यक्रम में होंगी शामिल। ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। जी हां, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां 11 और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का लखनऊ दौरा होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय दौरा है। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के कार्यक्रम में होंगी शामिल। ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, राजधानी में डेंगू के 5 नए मरीज मिले। इंदिरा नगर क्षेत्र में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। एनके रोड इटौजा मलिहाबाद इलाके में 1-1 मरीज पाया गया। यह लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर राजधानी में डेंगू के 5 मरीज मिले। इंदिरा नगर क्षेत्र में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। एनके रोड इटौजा और मलिहाबाद इलाके में 1-1 मरीज पाया गया। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव का माहौल बनाने के लिए आप करेंगे जिला सम्मेलन। जी हां, लखनऊ में चुनावी माहौल को बनाने के लिए आप जिला सम्मेलन करेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही, जहां पार्टी की नीतियों के साथ ही केंद्र सरकार की कमियों को भी सामने लाया जाएगा। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में पर्चा बांटो अभियान 20 दिसंबर से चलेगा। करीब 25 लाख घरों तक पहुंचने का लक्ष्य। महंगे सिलेंडर, अयोध्या में जमीन घोटाला, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, किसानों की फसलों का दोगुना दाम आदि मुद्दों पर भी उठाया जाएगा सवाल। लखनऊ से बड़ी खबर है, लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही, जहां कल अयोध्या आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही, जहां कल अमित शाह लखनऊ आ सकते हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां देखेंगे शाह। कल गोंडा जिले में एक कार्यक्रम में आ रहे हैं शाह। गोंडा के बाद अयोध्या भी आ सकते हैं अमित शाह। अमित शाह की संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां कल अयोध्या आ सकते हैं अमित शाह, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां देखेंगे शाह। कल गोंडा जिले में एक कार्यक्रम में आ सकते हैं शाह। गोंडा के बाद अयोध्या भी आ सकते हैं अमित शाह। अमित शाह के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां अयोध्या एयरपोर्ट के टिकट बुकिंग के लिए कोड जारी कर दिया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आवंटित AYJ कोड से शुरू होगी बुकिंग। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम हुआ पूरा। अयोध्या के श्रीराम एयरपोर्ट से जल्द शुरू होंगी उड़ान। लाइसेंस जारी होते ही पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट का लोकार्पण।
लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां अयोध्या एयरपोर्ट की टिकट बुकिंग के लिए कोड जारी कर दिया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आवंटित AYJ कोड से शुरू होगी बुकिंग। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम पूरा। अयोध्या के श्रीराम एयरपोर्ट से जल्द शुरू होंगी उड़ाने। लाइसेंस जारी होते ही पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट का लोकार्पण।